माइक ऑन करो यार माइक ऑन कर जहाँ भी जाए हम भी सबसे रहे टॉप पर उजी ये गैंग बोले फैंस अभी डॉक डिनर में चिकन या गुया हो हर जगह हाँ बोली है बातें आजा चल माइक कौन कर माइक कौन कर माइक कौन कर स्वागत है आपका माइक ऑन करके एक और नए एपिसोड में और आज यह बहुत ज्यादा स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि आज पूरी टीम इलीट एक साथ होने वाली है आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि टीम इलीट को क्या हुआ वो क्यों टूट गई इतना अच्छा खेलने के बाद भी वो अलग क्यों हो गई तो इन सब के जो जवाब है वो आज इस एपिसोड में मिलने वाले हैं और ये सारे जवाब आज देने वाले हैं हमारे प्लेयर्स तो चलो आज इनके ही मौजूबानी सुनते हैं कि क्या हुआ था टीम इलीट के साथ मतलब मैं तो, तो से पहले पहले मिल चुका हूं। एक बार तू रीजन। अरे कुछ नहीं बस घर वाले थोड़ा अलाउ नहीं कर रहे थे मेरे को बाहर जाना एज भी कम प्लस थी प्लस स्टडीज के आसपास थी सब तो सेवनटीन सेवनटीन में तो मेरे ख्याल से तू भी आया था नाइकोनिक हाँ था लेकिन लाइक मैं वालों से मिला ना तो उसके घर वालों से मतलब थोड़ा इसके खाया है, थोड़ा बहुत ज्यादा केयरिंग है लाइक अपने हैं केयरिंग सबके होते हैं केयरिंग बट जो इसके मम्मी पापा इसको मतलब ऐसा ना राजा बेटा मम्मी का वैसा रखते हैं इसको लाइक इसको लाया भी अपनी परमिशन पे हो कि हाँ आंटी जी मैं लेके जा रहा हूँ प्लीज दो दिन, दिन के लिए उधार दे दो मेरे को पता तो जब था, था <laughs> भी साथ में आई थी मेरा वो ना सबका सेम रहता है फिर मैंने मम्मी को मिलवाया मनवाया जोनटिया मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है कि मैं जोनटिया के साथ रहूंगा फिर जोनटिया बोले हाँ इसको मैं अपने पास ऐसा हमारे साथ रहूँगा पहली बार हम बाहर गए थे ना उसके साथ भी साथ कैसा हुआ था मेरे साथ तो ऐसा कुछ इतना नहीं हुआ था बट हाँ थी, थी, कहा जा रहा क्या मतलब ये था कि लड़का, मतलब ना बस। उस टाइम तक तो मतलब हमारे घर में कि हम वहाँ जा रहे हैं देख तेरा मेरा हम चारों का बताए तेरा क्या हुआ था जब तू पहली बार गया था वहां मैं जब दिल्ली आया था ना जब एक टूर्नामेंट हुआ था हाँ दो में तब मतलब मैं जा रहा था तो मैंने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा सीन है ये ऐसा लाइन होगा ऐसा ओ, मैच होगा ये तो सब बोल रहे हैं मतलब घर वाले हाँ घर वाले कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि तू जा रहा है तेरे को हाथ पैर हाथ पैर काटते हैं ना और बिठा देते हैं आ, तो आ, कह रहे आ, थे हाँ कह रहे थे तो फ्रॉड है फिर उन्होंने भैया भाई अगर दिखाया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है तो यही सीन हुआ था फिर जब से गया फिर उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पर मज़ा मजा तो आया था वहाँ पे है ना हाँ लेकिन मेरे को तो याद है लड़ाई भी हुई थी मत मारी मेरी आरडीपी की आरडीपी की इसके टीममेट की नहीं सबसे पहले लड़ाई हमारी किसकी हुई है हमारी टीम में? मतलब कैसे लाइक like? जो हुई है लड़ाई मतलब टीम में टीम में टीम में सबसे पहले लड़ाई तो मेरी और कलर की हुई है शायद सबसे पहले शायद कब

उस वो भी ज्यादा दे उससे माइनर मगर नहीं आता मा, इसका माइनर कर दो इसको माइनर में रख दो पापा को भेजा करेंगे तेरी से अमाउंट बता दे अमाउंट नोट डिस्क्लोज नोट

पूरी फ्री फायर में सबसे पहले ही हमें उठाया था हाँ। हमसे पहले आरडीपी की टीम को उठाया था हाँ, बट लेकिन था। और वो सब नहीं दिया था हमें फर्स्ट टाइम मतलब पूरे फ्री में पहली बार हाँ। मिला था। और हम साथ में तो मिला, था दोनों साथ दो हमें साथ मिला था लेकिन पहले से भी खेल रहा था जब ये वहां मैं था मिला था ना बुटकैम्प नहीं बुटकैम दोनों

मेर, मैं मैं बता हूँ उस टाइम मैं तुम दोनों को मना कर रहा था लेने के लिए के के मेरा दोस्त था और तुम्हारी टीम बहुत अच्छी थी तो मुझे पता नहीं था कि तुम छोड़ने वाले उस टाइम पर फिर मैंने इसको बोला कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि अगर मैं इनको ले लूँगा तो के के से बिगड़ जाएगी मेरी और वो उस टाइम मेरा अच्छा दोस्त था उस टाइम मतलब तब ज्यादा बात होती थी हाँ।

दूसरी टीम में चले गए थे तो इतना सुबह आते नहीं थे फिर हाँ तब हमारा मतलब खेलना कम हो गया और फिर बातें चलती थी अच्छी चलती थी फिर तो आपको नाल जीने के पूछ गया फिर आपने बताया ऐसा ऐसा प्लान है सी आर एक्स में लाइक और फिर हमारा ये बूट कैंप होगा सेल होगी टीम साथ में रहेगी तो मैंने कहा कि अप, 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 हमें तो यहाँ छोड़ना है ठीक है तो मैंने बोला कि मैंने बोला जोटिया को कि मैंने बोला साइड एक टाइम देना मेरे को थोड़ी देर के लिए मैं कैरी से कॉल पे बात करके वो पूछ बता है ना तो मैंने इस से कॉल करी मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है मैं टीम छोड़ दूँ क्या क्या कहते हैं क्योंकि मेरे को यार गेम में भी थोड़ा कुछ करना है और मेरे साथ केलर भी है तो बोला बिल्कुल छोड़ दे मतलब वो बंदा बहुत अच्छा बंदा था उसने बोला बिल्कुल छोड़ तो अपनी फ्यूचर की देख और जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैप कर और जा आगे बढ़ तो उसने ये बोला था और केके -के से मैंने पूछा तो केके -के ने भाई तो केके -के भाई तो उस दिन से बात करना बंद कर दी मैंने से उस दिन से आज तक बात नहीं करी मैंने मेरी टूट गई उससे अच्छी जो अच्छा दोस्त था उससे मेरे दोस्त टूट गए बट मेरे को अच्छा लगा कि स्कैरी समझा क्योंकि स्कैरी के बहुत अच्छे दोस्त है ना तो मतलब वो समझा और फिर मैं जोनटिया को बोला कि हाँ जोनटिया ऐसा है कि मैं आ रहा हूँ तो फिर जोनटिया बोले कि एक और प्लेयर था एक और प्लेयर चाहिए था तो मैंने बोला, तो है। है? मेरे, मेरे हाँ। बोला था कि हम को लेते हैं हाँ, तू तो आ रहा है ठीक है तूने बोला किलर भी आएगा हाँ मैंने बोला की जोनटिया पांच प्लेयर तो अलाव होते हैं तो क्या कहते हैं किलर को भी ले आ रहा हूँ मैं अपने साथ क्या कहते हैं तो किलर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था टाइम Uh, मैंने इसको मना कर दिया था मैंने इसको मना कर दिया था कि uh, नहीं भाई वो मेरे दोस्त हैं तो मैं नील लूंगा भाई उधर से मेरी ख़राब हो जाएगी फिर जैसे तूने मुझे बोला ना उसी टाइम मैं इसके पास गया पहाड़ी व पहाड़ी कि आइकॉनिक किलर दोनों आ रहे हैं भाई खुश हो गया <laughs> बोला हाँ अब बनेगी टीम वो वो वाली बताता जो डिस्कॉर्ड पे उस रात को हुई थी जब रोकी भी बैठा हुआ था जब हम वहाँ पे बोल के आए थे

आपने बात हमें क्या कहते हैं है। उसी दिन बताई थी जब हम खेल के आए थे ना कस्टम मैंने उसी दिन उसी दिन तुम्हें ये बोला था कि हमारा टारगेट ये है बेस्ट बनना है और इसको तो दिखाना है पहला टूर्नामेंट आएगा उसी में फाड़नी है सबकी तो टूर्नामेंट के बीच में बताया था नहीं फर्स्ट उस दिन जिस दिन खेल के आए थे ना अपन उसी दिन क्या कहते हैं बताया था जोटे ने आके एक दो दिन में शायद बताया तब 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 ये टीम बनाई थी नाम कैसे निकाला था

हाँ ये ये इनकी टीम पता जलती थी हम लोग लाइक हम लोग आते थे ना हाँ। आज हमने टेबल टॉप किया ऑफिशियल चल रहे होते थे उनमें ये, ये भी ये होते हो ये अब हाँ बार बार ये तो थे, थे कमरे, कमरे में तो आज, आज हमने टॉप किया तुम्हारी टीम का है सबका तुम्हारी टीम का ये बताओ अगर आप परफॉर्म करके आ रहे हो हम खोजते ठीक है हमारी दूसरी टीम है

वही बात है घर में आराम आता है वो कहीं नहीं आता कहीं भी कौन सा आराम दे रहा है नहीं 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 है भाई तू उधर से ही टॉप होता <laughs> <laughs> नहीं ठीक है अपना आइडिया था कि अपन ऐसे ही रहेंगे रहेंगे नॉर्मल घर से से घर घर खेलेंगे सब मैंने आके भी लिया था वहां पे नहीं अपना प्लान था कि हम लोग एक अच्छा सा फ्लैट लेंगे जहा पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड एक अच्छा सा सेटअप रखेंगे और खुद का एक इंडिपेंडेंट होके खेलेंगे और वो सोच के हम लोगों ने एक चैनल भी खोला था हाँ जिसपे हमारे कुछ आठ नौ घंटे में एक लाख सब्सक्राइबर आठ नौ घंटे में बहुत में बहुत, बड़ी बात थी, बहुत थी वो, बड़ी बात थी उसमें हम लोगों ने लेकिन... बोला था शायद कि लोग हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे हमेशा एंड साथ में रहेंगे ये वो फलाना फैंस ने बहुत सपोर्ट दिया था बहुत सपोर्ट मतलब लाइक हमने साथ में एक बार वीडियो डाली और हमने बस नोटिफाई किया कि अब चैनल आ गया है

कि वी वॉन्ट टू हायर यू ऐसा टीम ऐसा कुछ तो फिर जैसे कि मैंने जोनटिया से बात करी थी कि ऐसा कि अपन को ऑर्ग ज्वाइन करनी है तो जोनटिया ने बोला नहीं, नहीं नहीं मैं मैंने पहाड़ी जो किलर विलर सबसे बोला कि ऐसा ऐसा सीन है कि करनी है तो लाइक हमारा सब कहाँ था तो मैंने बोला जोनटिया को चल अपन बना लेंगे अपन सब बना लेंगे तो बीच में ऐसे ही चल रहा था और फिर अचानक से हेट्स बैग मेरे पे कॉल आता है कि मैं तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ आ मेरे से बात नहीं हो पा रही है तुम्हारी <laughs> मैं आपको और क्यों लेना है मैंने कहा जाना है। <laughs> सुना <मैं> नहीं फोन कट करती है और कट ठीक है मेरे को आया सुबह सुबह क्या कहते हैं कॉल नौ बजे तो अपन अपना शेड्यूल खराब है अपना तो ग्यारह बारह बजे उठने वाले इंसान है ठीक है तो मैंने कॉल उठाया मैंने कहा हेलो कौन मैं विनय बोल रहा हूँ <laughs> और रेंगो करके और क्या है उसमें आपको लेना है तो मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं पाँच मिनट बात करते हैं फिर <laughs> नेक्स्ट डे हो गया पाँच मिनट से वो फिर नेक्स्ट डे भी आया विनय भाई का तो मुझे लगा कि हाँ बंदा इंटरेस्टेड है हमें लेना चाहता है तो क्या कहते हैं बोला कि अपने टीम को बुलाओ कि करो मीटिंग फिक्स करो फिर मैंने वो जॉन्टी भाई को बात बोली कि जोनटिया ऐसा सा हो गया जोनटिया बोले मेरे पास भी आया मैंने बोला <laughs> मैं मैंने बोला था कि जोनटिया ठीक है चलो मैं सुन के आता हूँ वगैरह तो फिर अगले दिन मैं गया क्या कहते सीधे नहीं मैं गया था डायरेक्ट अच्छा हाँ, हाँ। भाई से बात हुई थी हमारी हाँ हेज भाई से बात हुई मेरी और उनोर, उन्होंने सारे प्लान्स फिर हेज भाई ने तुरंत क्या कहते हैं सर को कॉल ले लिया क्या कहते हैं गूगल मीट और मेरे को सारे प्लान्स दिखाए

सबसे पहले मीटिंग में ये अकेला था था मैं ब्रो ठीक है तो मैंने क्या कहते हैं मैंने सबको बुलाया मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है कल इतने बजे ग्यारह बजे सुबह सुबह नहीं रात को रात को ग्यारह बजे मीटिंग करते हैं क्या कहते हैं टूर्नामेंट थे ना तब तो क्या कहते हैं सब आए अपन बारह बारह हाँ, बारह ग्यारह बजे सर, सर भी आए थे जब सर ने जो एक्सप्लेन किया सबको लाइक सबको उनका वो अच्छा लगा क्या कहते हैं कि बंदे में विजन है कि हाँ कुछ करना है लाइक जब हम लोग यस सर और हिट से मीटिंग करें तो मेरे को तो आइकॉनिक ने बोला था कि ऐसा ऐसा सीन है तो उस टाइम पर जोन्टी भाई का एकदम ना था बिल्कुल तो मेरे को एक बारी को लगा कि हाँ चलो एक बार सुन लेनी चाहिए बात तब मैंने थोड़ा जोटी भाई को कन्वेंस किया तो सब हम लोग एक गूगल मीट पे या डिस्कॉट पे बैठे हुए थे वहां पे सर ने अपना कैमरा चालू किया था तो पहले तो मैंने देखा यार ये तो कोई मतलब तो मैं जानता नहीं था उन्हें पर्सनली बट उनकी कैमरा क्वालिटी देखी मैंने वो वो नहीं था <laughs> गंदी सी थी वो से, नहीं फोन नहीं शायद लैपटॉप या कुछ था कुछ लगा हुआ था कैमरे में और अंधेरे में कुछ पीला पीला सा लग रहा था मैंने कहा यार ये कौन है भाई मतलब बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन सच सच करेंगे फिर थोड़ी देर बात करी मैंने हमने बात करी क्या सीन है क्या है फिर उन्होंने प्लान्स वगैरह बताया अपने कि हम लोग ऐसा ऐसा ये बूट कैंप है हम यहाँ पे ये रखेंगे ये रखेंगे और प्लेयर्स के लिए ऐसी फैसिलिटीज देंगे फलाना ढिमकाना तो वो सब सुनने के बाद मतलब मैंने कहा यार ये तो चल ठीक है फिर भी मन पता... नहीं था फिर भी एक क्योंकि अपने साथ पहले भी सीन और गए थे वो हुआ ना जो उससे पहले जो निकाला हाँ वो वो हमारा इतना अंदर था ना कि ज्वाइन नहीं करना क्योंकि उन्होंने जिस रीजन से निकाला ना वो एकदम बेकार नहीं, था, वो मैं बताता और ऑर्गेनाइजेशन से अपना मतलब क्यों हटा था की हमें और ज्वाइन नहीं करना और सब बेकार होती हैं खुद का करेंगे वो शायद उससे पहले हमने जो ऑर्क ज्वाइन की थी उसमें कुछ मेरे को फंसा दिया था क्यों गंदा लगा क्योंकि अरे मेरा कुछ काम था उस दिन तुम्हें याद याद है पूरा याद है उन्होंने मुझसे फोन छीन लिया था कि नहीं ये और का फोन ना दे दो हम्म जब मैंने बोला था तब मैंने तब मेरा इतना मूड खराब था कि आज के बाद और जॉइन करनी नहीं इसके तो घर पे, जा तो पे जाके और इसके तो घर पे आके फोन ले लिया था नहीं, इसके नहीं, था। नहीं गया था पहाड़ी के घर पे है ये तो हां ज्यादा देर को हां हां इसमें इस शादी में उस टाइम पे छोड़ा नहीं था हमने मैं वहां से घर गया था अरे पर वो बात बुरी लगी थी बहुत ऑब्वियसली हाँ, लगने वाली बात नहीं वो तो है ही बुरी बात कि अगर तुमने भाई उस, को... उस जैसे उस टाइम पे उस जैसे चार पांच फोन खरीद के फेंक मारता उनके मुंह पे इतना पैसा था इतनी तो विनिंग्स आ रही थी भाई आराम थी कम, कम, कम से वैसा नहीं आता टूर्नामेंट से कितना पैसा कमा रहे थे हम लोग उसका कितना बुरा, बुरा, गया बुरा, बुरा लगता कि सेल, सेल नहीं तो पता लगता होगा सैलरी है वो चीज़ मेरे चलता है हम सब लोग राजी हुए उनका सिर्फ एक फोकस था मैं देकाली तुम लोगों से सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ ट्रॉफी अपने को उस टाइम पे पैसों से भी कोई मतलब नहीं था बिकॉज अपने को इस ऑर्क से डबल ट्रिपल पैसा बाकी दे रही थी जो अपने पास उससे पहले आई थी क्योंकि हम जब जब सीआरएक्स छोड़े उसके बाद अपने पे मतलब बहुत सारे गेट अपने खुल गए थे एक रास्ता बंद हुआ था बहुत सारे रास्ते खुल गए सिंपल वर्ड में मेरे पे मतलब सारी ऑर्क आया था तुम जिस वक्त का नाम लोगे उस वक्त का मेरे पे मैसेज आया था और हमने मना कर दिया था क्योंकि अपन को इंटरेस्ट नहीं था उसमें उस चीज में लेकिन जब सर के प्लान सुने तो आया एक इंटरेस्ट तो आया मेरे को तो लिटरली बोलूं मैंने सब इनको भी बोला मैंने इन दोनों को आपस में बोला था शायद नहीं नहीं आप नहीं थे हम चारों की बात हुई थी कि यार करना चाहिए अपन को ए, जब फिर उसके चाहिए। बाद जब अगली बार मैं गया था हाँ। तो मैंने जाते ही जब सुना कि ऐसा ऐसा है तो फिर मेरे को भी लगा हाँ ठीक है क्योंकि उनका एक विजन था ई स्पोर्ट ऊपर तो वो हमारा भी था उस टाइम क्योंकि

दो है बेटा, ये, रहा है बार। <laughs> और ये तो <laughs> बेटा <बहुत> <laughs> <laughs> जब सर ने बोला जब हम तो यहाँ आए थे उसके बाद जब टीम डिसाइड हुई थी तब आरडीपी डी पी था हमारे साथ यहाँ पे नहीं जब यहाँ आने का डिसाइड हुआ था उससे पहले टीम में था था तो मैं था, था, मैं, था मैं आ गया अरे था। इसको ऐसे लेके आए थे अपन भूल गए जब अपन क्या कहते, है? कहते, <coughs> Continental Seize, Continental Seize कहते हैं एफएफएसी गए थे ना कॉन्टिनेटल सीरीज कॉन्टिनेटल सीरीज में गए थे हम

तुम्हें पहला, तुम्हें पहला दिया था, तुम्हें दिया। दिया था। <laughs> <laughs> अरे नहीं कोविड था ना तो अच्छा खेले थे लास्ट मैच में फर्स्ट आ सकते थे बट हम फोर्थ आ गए थे क्योंकि हम हाँ। जल्दी मर गए और हम नीचे से फर्स्ट आए थे ना इलेवेन्या था तुम लोग हाँ, तो और हाँ, हम, हम, और हम हम नहीं फिर क्या हुआ फिर हम उसका एक क्रैश वाला पार्ट भी था उसमें क्या कहते हैं मैं तनेजा किलर और पहाड़ी खेले थे आप नहीं खेले थे तो उसमें क्या कहते हैं हक दिए थे उसमें थे, तो, तने... उस, तो, तने... उसमें तनेजा हाथ था शायद उसके बाद तनेजा टीम से गया हाँ उसमें उसकी हाँ. वजह से फिर हमने कहा की क्यूँकी मेनली तनेजा था की फायरबॉल क्रैश कॉर्ड बहुत खेलता था वो लाइक हमसे ज्यादा क्योंकि हम जब जब भी हाँ। टूर्नामेंट खेलते थे तो क्या कहते हैं हम चारों खेलते थे और वो क्लैश कॉल में बहुत मतलब प्रैक्टिस करते जब आप नहीं होते तब आ जाता वो तो हमने जब क्या कहते हैं मैंने किर ने बोला कि क्या कहते हैं यार तनेजा का जो एक रोल था मतलब जिसमें उसको परफेक्शन होना चाहिए जो हमसे ज़्यादा फ्लैक करने चाहिए उस बंदे को तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाया वो उसको थोड़ा अभी क्या कहते हैं साइड रखते हैं अपन एक नया प्लेयर ढूंढते हैं स्टार प्लेयर जो, जो 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 हमारी टीम को कैरी करे हा, जो, हाँ, जो हमारी टीम को कैरी करेगा मतलब हम चारों को कैरी करे कि हाँ अपने दम पे खिला रहा है हाँ। पूरा अकेले ही मार रहा है फिर हम राइट एंड के ढूंढने निकल रहे कि कहाँ ढूंढने कहाँ ढूंढने भाई फिर क्या कहते हैं तू कहाँ मिला था मैं मैं मतलब रोड पे रोड पे था नहीं नहीं स्ट्रगल कर रहा था ना तो पिछली वाली और भी छोड़ी थी ना मैंने

छह प्लेयर की टीम है एक और प्लेयर क्यों नहीं रख लेते हैं तो हम गए किलर किलर भाई लाए राधे मम्मिया को राधे ना? हाँ राजा ठाकुर को लाया किलर फ्रेंड्स हाँ बहुत क्लोज फ्रेंड हो गए थे बीच में ज्यादा <laughs> है हाँ। ना अच्छे फ्रेंड्स हो गए जब एक फ्रेंड चल रहा था जब भी टूर्नामेंट खत्म होते थे मतलब जो जो टीम टूर्नामेंट जीतती थी ना उनके प्लेयर्स फिर अच्छे अच्छे प्लेयरों को उठाने के लिए हाँ। टीमें तुड़वाते थे वो चीन चल रहा था उस टाइम जो निजी की टीम होती थी वो अच्छे प्लेयर ढूंढते थे क्या कहते हैं कि हाँ इसको पोच करते हैं इसको पोच करते हैं इसको यहाँ से निकालते हैं इसको वहां से निकालते हैं तो वही सीन चल रहा था उस टाइम में था

ना मैंने खेला वो लीग और मतलब फाइनल डायरेक्ट खिला रहा है तो मेरे को था ना तो फिर मतलब मैंने 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 कहा भाई भाई तो बोला था कि सोचने दो क्योंकि तो हाँ तो उधर उधर तो देख लेंगे तो फिर मैंने हाँ बोल दी थी प्यारा तो है <laughs> <laughs> फिर इसके बाद इसने टीम को किया <laughs> बहुत

दादे ममिया को हमने दादे ममिया ने टीम छोड़ दी थी वो चले गए थे अनोन में ऑफिशियली अन में चले गए थे और हम जून में घर पे बैठे हुए थे हमने डिसीजन ले लिया था कि हाँ जोटी भाई देख के आएंगे <laughs> सीन बताएंगे जोनटी भाई शायद देख के आए सात आठ जुलाई को है ना और अपन ट्वेंटी फोर जुलाई को आ गए थे यहाँ पे मुंबई की हवा लग गई थी हाँ, अपन फिर आए थे बाद हम था जुलाई में आए थे फिर उसके बाद हम पहले आए पहला ही दिन हमारा था और हमें तब पता चला मुंबई में जाम भी लगता है भाई। भाई आए, आए और, और, और गाड़ी में सो रहे कहाँ आए थे हम पहले ऑफिस गए थे ना पहले ऑफिस पहले ऑफिस गए थे पहले ऑफिस गए थे फिर शायद इधर आए थे फिर उसके बाद उठ के हम दिखाया था उन लोगों ने अपने को हाँ ये वाला दिखाया था जब यहाँ पे ये ये वाला वाला नहीं वो वाला भी तो दिखाया था। सबसे वाला ये दिखाया था वाला। वो दिखाया था फिर तो हम लोग मिले थे अपनी से। हम फिर हम पे उस बूट कैम्प में गए मलाड वाले में वो सोसाइटी भी अच्छी थी मतलब इतना पता था कि पहली वाली से तो ज्यादा अच्छी है पहले वाले से बहुत ज्यादा अच्छी है अच्छी नहीं जब हम पहले गए थे ना तो जो उसका नीचे वो था ना लॉबी तो लॉबी देख के ऐसा लगा मैंने कहा ये क्या है यार होटल है क्या और मैं बैठा मैंने कहा मैं मैं सोफे इतने अच्छे अरे टीवी भी लगी हुई है इतने इतनी बिल्डिंग अपने शहर में रहे थे बाहर नहीं गए थे कहां बिल्डिंग हमारे मेरे आगरा में तो बिल्कुल नहीं है हाँ। इसके तक तो, नहीं, पहुंची। <laughs> <laughs> तो हाँ। हाँ, नहीं तो पहली बार आया था ना से नहीं मतलब दिल्ली तो आता रहता था लेकिन मुंबई ना दिल्ली से मतलब बहुत ज़्यादा ना पे जहाँ देखो जिस एरिया में थे ना वहाँ पे तो छत देख लो इतनी सारी बिल्डिंग लंबी लंबी तो फर्स्ट टाइम था मेरा मैं तो खुश था मैंने कहा जुलाई को हम सब साथ में आए थे उसे पहले जुलाई में हम देखने आए थे हाँ आप सात जुलाई को देखने, देखने को बीस को लड़ाई हुई थी को लड़ा गया था अपनी निकालो आपने बोला था यहीं पे आएंगे क्योंकि अपना वो था ना सी ओ था साथ में हम लीग्स क्वालिफाई कर दिए थे हम सॉरी डायरेक्ट हम लीग्स में बाहर हो गए थे

तब होती तब भी लड़ाइयाँ होती थी हमारी टीम में लड़ाइयाँ तो होती रहती थी लड़ाइयाँ तो तो सीआरएक्स से ही होती थी इतनी सीआरएक्स में हो जब मैं दूसरी टीम में था तब इनकी लड़ाई देखता था दोनों की हाँ। लगे रहते थे रूम तो में मज़े करते थे ना बट ऐसा नहीं था हम दोनों की लड़ाई होती थी और एक दिन में मजे लेते थे तो नहीं होती थी गेम के पीछे नहीं होती चावल कैसे खा लिया खाने के पीछे हटते थे भाई ये लोग और मैंने सुना ये बताइए मैंने सुना कोई बता रहा था कि तुम तू तु, हम लोग को बुरा भला बोलता रहता था क्या हाँ। दबा के बोलते थे तनेजा बोलता था के साले अच्छा रूम ले लिया उन्होंने ये ले लिया वो ले नहीं, लिया नहीं नहीं बोला मेरे से तनेजा बोला था और अच्छी चीजें बताओ तुम्हारी बहुत नजर रहती आ, जो, थी आ, जो, जो, भाई जो आ रहा है सो, जो अच्छा था सोफे आ रहे हैं चलो ले चलो भाई फोन आ रहे हैं हमें 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 मिलेगा मिलेगा तो अपने रूम में लगा ही नहीं था लगा 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 अरे नहीं नहीं टीवी आया ए, हमारे रूम में लगा दो बड़ा रूम है सब रहते हैं <laughs> भाई टीवी लगवा के गेट बंद कर लिया <laughs> चाहिए ये भी सब था तो करना ये भी ठीक है भाई एक विश्लेष दी थी ना अपने को मतलब विश्लेष नहीं ऐसा रिक्वायरमेंट की हाँ, कि क्या खेलने के लिए स्पोर्ट्स वालों सब लगाए आईफोन ऐसा प्रो मैक्स एयरपोर्ट भाई भाई में तो लिखी थी सब लिखा आ, था भाई आप हमने पता क्या लिखा था हमने लिखा था दो मैक्स भाई मैंने तो अपनी लिस्ट चेंज करी थी इनकी लिस्ट देख के प्रो मैक्स लिख दूं अपने आगे भाई इन्होंने ऐसी डिमांड नहीं करी थी गीजर वीजर अलमारी सब कुछ अरे कंबल में जा फिर उसके बाद हम आए बुटकैम नहीं फिर आया एफ एफ आई सी प्रोली का आया था स्नैप ड्रैगन आया था

कि हाँ सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं पहले उस... तुम की की आ, फिर, फिर की इन, इन दोनों की हुई थी फिर आरडीपी की हुई नहीं नहीं फिर आरडीपी की नहीं हुई फिर इन दोनों की हो गई थी थोड़ी हाँ। फिर फिर एक बार पहाड़ी और इसकी भी हाँ, हुई उसी टाइम बहस हुई थी इनकी हाँ। वो तो बहुत पहले हुई थी नहीं वो उसी टाइम ही हुई थी और फिर क्या कहते हैं जब मैं बोलता मैं भी गेम छोड़ रहा हूँ फिर

तो सर आए सर ने कहा कि कहते हैं ऐसा शेड्यूल बनाओ फिर आपसे बोला कि थोड़ा इनकी मिस्टेक्स पे ध्यान दो जो भी इसकी कमियां थी लाइक जो भी नेगेटिव पॉइंट थे वो बताए मेरे को मेरे नेगेटिव पॉइंट बताए इसको फिर पाड़ी को उसके नेगेटिव पॉइंट बताए फिर इसक, इसके साथ भी बात करी थी मतलब सबको उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो अलग हैं उन्होंने खुद को ऐसा पार्ट दिखाया कि वो भी हमारे साथ ही हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मतलब कि कोई इंसान और का ओनर साथ में आके फ्लैट में सो रहा है एक टीम के साथ की हाँ और एक हफ्ता एक वो भी कि मेरे को अपने पूरे काम छोड़ने वो कितना बिजी इंसान होगा और मतलब गेम ही खेलते थे यारींद आती है गेमर्स लोगों को चाहे कितना भी बोल लो शेड्यूल अच्छा अच्छा कर लो एक चीज देखिए आपने हमारे सबके बाथरूम से मस्त एकदम ठंडी हवा देते इसके से क्या भुक्का भुक्का <laughs> भाई आप सबके एसी के वो जो क्या बोलते हैं वो पंखे वो मेरे बाथरूम में थे <laughs> तो वो गेट को गर्म हवा <laughs> <laughs> मन नहीं करता था कहीं जाने का नहीं याद था वो याद है रात को नहाने लगे मैं सब हाँ खींच के ले जा रहे हैं चल, चल 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 चलने आ देते हम आप आए थे आपको भी खींच के ले था, था था था। <laughs> आपको भी लेके थे खींच गए हम चारों आ रहे हैं साथ में एक बार जेट, जेट स्प्रे से एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं और डांस कर रहे चंडी दी थी तेरी उतरी थी चल आधी उतारी थी पूरी नंगा कर दिया बोल रहे नहीं हुआ था था। ये शैम्पू था नए लेके आया था मस्त बड़े बड़े शैंपू हमने तो पाई शैम्पेन की शैम्पू शैंपू हमने वो नहीं जो जट स्प्रे होता है वॉशरूम का उसपे मार रहे हो इसके तो भूपो मार दिया जट स्प्रे वो पॉट में गिर गया था इसके मुंह मार गया में बहुत ज्यादा उसके बाद फिर उसके बाद वो वाला दिन आ, भी तो आ आ गई थी अगले अपने मेल, मेल पे कि तुम्हारे से बहुत आवाजें रही है। <laughs> इसको कम करो थोड़ा जल्दी <laughs> जल्दी आड़ी दिया। बॉल ला तरफ वाली खिड़की से मार एक नौकर चल 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 चल, चल एक नौकरा मेरी आड़ी पे पीछे वाली ट्रेट वो तो चिल्लाता था ना ऐसे उंगली ला

निकल गए थे पॉइंट हाँ। पर बराबर नहीं पहुंचे थे हाँ। अभी वो बारह पंद्रह कुछ पॉइंट और फिफ्थ गे गे गेम में पता है वो कहाँ पे थे वो सेवेंटी वन पे थे और हम फिफ्टी सेवन पे थे हाँ। भाई इतना लीड थी हमने, हमने तो उम्मीद छोड़ दी हुई हमने कहा भाई ये पांच छह पॉइंट मार भी देगी जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा था वो तो मार देती इजी था तो हम फिर क्या कहते हैं वो आया इसका क्लच भाई लास्ट मैच में, में, में नहीं लास्ट मैच में टारगेट हो गए थे हाँ, हाँ, को, मेरे मेरे को को कर दिया था दो था। था। ने आई बताता हूं टारगेट हो गए थे ये मर गया था बहुत अच्छा रोका था मैंने बोला अब मैं बोला सिंपल बोल दिया था मैंने फिर तुमने अच्छा रोका अब जाके जोन का सेंटर है बेफ्रंट जिसको लॉन्चर मिला था एमो के साथ, वो मैंने थोड़ा, उसने रोका था हाँ, मैंने बोला था की अंधाधुन मारो जो भी दिख रहा है मारो क्योंकि रोकने से फायदा नहीं क्योंकि हमें अपन को चाहिए बोला इस तरह से लॉन्चर था लॉन्चर अंदा धुन मारा क्योंकि बचाने का फायदा नहीं है मैंने बोला इन दोनों को सपोर्ट दे क्योंकि कभी नु ये नो ये नोक हो ये नो हो तो इन दोनों को सपोर्ट दे इसको बोला फिर क्या कहते हैं

तब उतने में तेरे पे आ गया था। हाँ। में तेरे पे पे कॉल कॉल आ आ गया गया था, हाँ। था था, था जैसे मैं मैं हुआ मैसेज आया कि इंटरव्यू के लिए रेडी रहो, खुश हो रहा अंदर से, मैंने कहा यार कुछ तो सीन सात दिन की मेहनत थी लड़ाइया कहीं ना मतलब अपन बहुत ज्यादा खुश थे उससे अपना हाँ जो

था। 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 हाँ। तो तो थे थे। एक तरफ से, से मतलब अलग ही मारते थे अपन की चारो मार रहे अलग आधे एक एक से, मार से ज्यादा जो स्पोर्ट के प्लेयर है उन्होंने खेलना सीखा था मैं तो कैसे उन्होंने हर प्लेयर का पीओवी देखा ग्रेनेड कैसे फेंकते हैं स्नाइपर कैसे चलाते हैं

एशिया में, में नंबर वन गए थे अपन दो महीने के लिए एशिया रैंकिंग टूर्नामेंट एवरेज काउंट हुआ पाँच सौ दस थे अपने कुछ आ, वो सबसे प्राउड मोमेंट था मान ना एफ आई सी से भी प्राउड मोमेंट था एफ सी पहले भी आया था वो अपन को अपन जब घर पे थे तब आया था वो एशिया में एफ जीतने के बाद दोबारा नंबर वन आए थे

ट्राई सीरीज वाला मोमेंट कौन भूल सकता है वो मैं चला जाता अबे दल्ले आ नहीं मैं तुम दोनों को ही बोलता हूँ मैं मुंह पे बोल दूंगा मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने टीम बनाई थी और वो टूट गई